आज का जो दिन है इसको ये फजीलत ये भी है, चंद दिन पहले 15 रमजान को हजरत इमाम हसन मुजतबा आपका जो यौम विलादत था, आपकी पैदाइश का दिन था, और आज के दिन को ये भी सादत है कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा सदीक बाप की सदीका बेटी, और वो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जिनकी शान का अंदाजा इस पाठ से लगाया जाए कि जब किसी ने पूछा सईदा कायनात हजरत फातिमा निसा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि फातिमा औरतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, हजरत सईदा फातिमा निसा रज़ियल्लाहु अन्हा सलामुल्लाह अलैहा आपने इरशाद फरमाया औरतों में सबसे ज्यादा मेरे बाप जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती से मोहब्बत करते हैं वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, और ऐ फातिमा मर्दों में सबसे ज्यादा किससे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो सईदा फातिमा इरशाद फरमाती हैं कि सबसे ज्यादा जिस मर्दों में जिससे ज्यादा मेरे वालिद हज़रत नबी करीम से मोहब्बत करते हैं वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पाक, और फिर ये सवाल हज़रत आयशा सिद्दीका से किया गया कि माँ औरतों में सबसे ज्यादा नबी लाजपाल किस औरत से मोहब्बत करते हैं, तो मैं कि सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं सैयदा फातिमा से मोहब्बत करते हैं, और माँ सबसे ज्यादा मर्दों में किससे मोहब्बत करते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सबसे ज्यादा मर्दों में सैयदा फातिमा के खावंद अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मोहब्बत करते हैं, और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा वो हस्ती हैं कि जब करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाले बा कमाल का वक्त आया तो आपने मुस्वाक की तरफ देखा तो आपके दिल में इल्तजा पैदा, मुस्वाक शौक पैदा हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्वाक दी गया, मुस्वाक सख्त से आप चबा नहीं सकते थे, तो जल्दी से आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपने मुंह में मुस्वाक ली और चबाई, चबाने के बाद आपने वो मुस्वाक जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक आपके मुंह मुबारक में दे दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुस्वाक को करना शुरू कर दिया, यानी कि सबसे आखिरी सब में आखिर में जिसका लुआब नबी के लुआब से मिल गया वो सईदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा थी। आज अल्लाह अकबर, आज लोग नफरतें फैलाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकालते हैं और कैसे कैसे बातें करते हैं, आज तो जनाब किसी आम मौलवी की बीवी मान नहीं है, किसी पीर की बीवी मान नहीं है, तो जो बीवी नबियों के सरदार की हो उसकी शान क्या होगी, और जब सईदा कायनात फातिमा शाह आप पे तोमत लगी तो किसी की गुआई उस्ताद देता है, किसी की गुआई मुर्शिद देता है, किसी की गुआई बाप देता है, किसी की गुआई मोहल्ले वाले देते हैं, तो फिर कुर्बान जो हज़रत आयशा सिद्दीका दिलों शान पे कि आपकी गई खुद खुद खुदा ने दी, सूरत नूर की कई आयतें सईदा आयशा सिद्दीका शान में उतरी, और फिर जब आप तफसीर करती कुरान की तो साबा दंग रह जाते, वहां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ात पाक हैं कि जिनके बिस्तर पे जिब्रील अमीन जो है वही लेके आते हैं, ये जितने भी ऐसे दिन हैं इन दिनों को मनाया जाए, इन दिनों का एहतमाम किया जाए, हजरत हसन मुजतबा उनका हुसन अपने बच्चों को दिखाया जाए, उनकी इबादतें दिखाई जाए, उनकी सखावत दिखाई जाए।